another example based on pointer operations. इस केस में जस्ट डिफाइन किया एरे, एरे के केस में मैंने कोई भी साइज फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन एरे साइज इज ऑप्शनल, क्लियर। देन बाय डिफॉल्ट इस केस में साइज क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट, टोटल 5 एलिमेंट असाइन किए, इसलिए इस पर्टिकुलर केस का साइज क्या हुआ 5। बाइट्स के रिस्पेक्ट में बात करें टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे एग्जैक्टली 10 बाइट्स। फर्स्ट वन क्रिएटिंग एरे, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस 100 है, देन रिमेनिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 1024, 106 एंड 108। देन कंप्लीटली इस ब्लॉक का नेम क्या आसान हुआ एज ए, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्लियर। नेक्स्ट वन फर्स्ट प्लेस पर इस एलिमेंट का नेम क्या है A0, A1, A2 लाइक दैट। नेक्स्ट सेकंड केस में जस्ट प्रोवाइड किया हुआ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, पॉइंटर पी के रिस्पेक्ट में टोटली ओनली 2 बाइट्स का ब्लॉक क्रिएट होगा, इस 2 बाइट्स के ब्लॉक को नेम असाइन करेंगे जब पी, लेकिन पी के केस में असाइन क्या करा है A+2। इस केस में इंपॉर्टेंट टर्म क्या आपके लिए A+2, ए के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100। 100 क्या है इंटीजर टाइप ऑफ एड्रेस, क्लियर, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट किस टाइप के इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और इंटीजर का साइज क्या है 2, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, मीन्स फाइनली इसका इंक्रीमेंट क्या आएगा 104। 104 आसान हुआ इन साइड पॉइंटर वेरिएबल पी, पॉइंटर पी में क्या आसान हुआ 104, मीन्स अगर आप सिंपली ए आसान कर देते ना ये 100 लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करता, लेकिन इस केस में पॉइंट किस प्लेस से करेगा फ्रॉम 104 ऑनवर्ड्स, प्लस इंटीजर टाइप का पॉइंट, इसलिए कितने बाइट्स पॉइंट होंगे ओनली 2 बाइट्स। इस केस में 104 लोकेशन का लॉजिकल नेम क्या हुआ स्टार पी किसका नेम है, अगर आप स्टार पी का वैल्यू डिस्प्ले कराओ देन डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में 30, अगर इसका एड्रेस 100 है देन इसको नेम प्रोवाइड करेंगे *100 *102 *104 *106 एंड *108, क्लियर। इज द प्रीवियस टर्म्स। नेक्स्ट में फर्स्ट केस में सिंपली डिस्प्ले क्या कराया वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले डिस्प्ले कराया P0, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या कराया वैल्यू ऑफ P0, चेक करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0, जस्ट इसको सबसे पहले ब्रेक किस फॉर्म में करें इन द फॉर्म ऑफ एरे सॉरी पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ *P+0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इस केस में पी का वैल्यू क्या 104+0, देन इक्विवेलेंट मीनिंग क्या इसका *104, मीन्स इस केस में फाइनली P0 एरे के फर्स्ट एलिमेंट का नेम है थर्ड एलिमेंट का नेम, इस P0 किसके इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू *104, मीन्स *104 का अदर नेम क्या है P0। नेक्स्ट प्लेस को लॉजिकली कंसिडर करो जब P1 P2, इस प्लेस का इंडेक्स 0 तो प्रीवियस प्लेस का लॉजिकली इंडेक्स क्या हुआ -1, जस्ट इसके प्रीवियस प्लेस का इंडेक्स क्या हो जाएगा लॉजिकली आ -2, मीन्स पॉइंटर के केस में नेगेटिव इंडेक्स पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ असाइनिंग एड्रेस ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। देन फर्स्ट केस में डिस्प्ले किया हुआ वैल्यू ऑफ *104, और *104 में वैल्यू का स्टोर है 30, इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ 30, मीन्स फाइनली P0 के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू एज 30। नेक्स्ट एलिमेंट क्या P1, सिमिलर टाइप से आप सॉल्व क्या करोगे P1 के रिस्पेक्ट में अगेन सेम मैनेजमेंट को ब्रेक करेंगे *P+1 प्लस पी के प्लेस पर एवरी टाइम क्या रिप्लेस होगा 104, देन इसका मीनिंग क्या हुआ *104+1, 1 से इंक्रीमेंट कराओ देन इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, *104+2 इज 106, तो P1 किसके इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू *106, और करेंटली *106 में वैल्यू क्या है 40, इसलिए नेक्स्ट केस में डिस्प्ले क्या होगा 40, सेम एज P2 के केस में डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू एज 50। इस फर्स्ट 3 केसेस में डिस्प्ले क्या हो रहा 30, 40 एंड 50। नेक्स्ट वाट इज द वैल्यू ऑफ P-1, P-1 को सेम मैनर्स में आप सॉल्व करोगे, मीन्स इस केस में भी कोई भी स्पेशल केस नहीं, अगेन P-1, इसको अगेन पॉइंटर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या रहेगा P प्लस
आई, आई का वैल्यू क्या माइनस वन, देन प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा माइनस, प्लस पी के प्लेस पर अगेन क्या आएगा 104 माइनस वन, देन स्टार सब्ट्रैक्शन कितने से होगा 2 से, स्टार 102, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार 102 मींस फाइनली पी ऑफ माइनस वन किसके इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टार 102, इसलिए मैंने स्टार 102 को अदर नेम प्रोवाइड किया जाए पी ऑफ माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन के केस में क्या आएगा वैल्यू विच इज 20, सेम एज पी ऑफ माइनस टू, पी ऑफ माइनस टू के केस में क्या जाएगा सिंपली 10। नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिंट एफ, सेकेंड प्रिंट एफ आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग केस है, इस केस में जस्ट मैंने रिप्रेजेंट क्या किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी ऑफ माइनस वन एंड माइनस वन ऑफ पी, पी ऑफ माइनस वन के केस में जस्ट ऑलरेडी मैं डिस्प्ले करा चुका हूँ, पी ऑफ माइनस वन के केस में आउटपुट क्या मिला था आपको एज ए 20, पी ऑफ माइनस वन क्या रिजल्ट इज 20, देन व्हाट अबाउट माइनस वन ऑफ पी, इंपोर्टेंट केस क्या है इसमें माइनस वन ऑफ पी, इस केस में जस्ट अप्लाई करेंगे बिहेवियर ऑफ द ऑपरेटर, जैसे एक्सप्रेशन के अंदर टोटल टू ऑपरेटर्स यूज हुए हैं माइनस, माइनस क्या है इस केस में यूनरी माइनस, माइनस इज एन यूनरी ऑपरेटर, सेम नेक्स्ट वन ब्रैकेट, ब्रैकेट की बात करें ब्रैकेट को भी कंसीडर करोगे एज अ ऑपरेटर, लेकिन इसका टाइप क्या है ब्रैकेट हमेशा किस फॉर्म में राइट होता है लाइक दैट ए ऑफ आई, तो इस केस में ए क्या है फर्स्ट ऑपरेंड और आई क्या है सेकंड ऑपरेंड, ब्रैकेट केस ब्रैकेट क्या है इस केस में एज अ बाइनरी ऑपरेटर, देन जनरली नॉर्मल केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूनरी एंड बाइनरी के केस में कंपेरिजन में हाइएस्ट प्रायोरिटी किसका यूनरी का बाइनरी का, यूनरी का, लेकिन इस केस में ऑलरेडी डिस्कस किया था दिस इज द एक्सेप्शनल केस, इस केस में हाइएस्ट प्रायोरिटी किसका ब्रैकेट का ना कि माइनस वन, तो ब्रैकेट और माइनस वन के केस में सबसे पहले हाइएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा इस केस में ब्रैकेट के केस में, देन ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ब्रैकेट के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर दैट ब्रैकेट एंड सेकंड ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड आपको क्लियरली शो रहा पी, पी क्या इस केस में सेकंड ऑपरेंड, लेकिन फर्स्ट ऑपरेंड क्या इस केस में माइनस वन और ओनली वन, क्यों माइनस वन का प्रायोरिटी कैसा लेस कंपेयर टू ब्रैकेट, मीन्स इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है लाइक दैट इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइनस वन और माइनस देन वन ऑफ पी, क्लियर, देन वन ऑफ पी के केस में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था वन ऑफ पी में या पी ऑफ वन में वैल्यू क्या है 40, देन इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करो 40, देन ये माइनस वन अप्लाई किसके लिए 40 के लिए, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे देन क्या है सिंपली माइनस ए ऑफ आई का मीन्स वन ऑफ पी का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ स्टार वन प्लस पी, पी के केस में क्या 104, देन माइनस स्टार वन, वन प्लस 104 इज 106, नहीं स्टार 106 के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ स्टार 106 विच इज 40, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 40, देन 40 के साथ साइन कौन सा अप्लाई होगा माइनस, इसलिए इस केस में डिस्प्ले क्या होगा माइनस 40, तो नेक्स्ट केस में रिजल्ट क्या आएगा माइनस 40, इसे बिहेवियर जस्ट रिप्रेजेंट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर, मीन्स इस केस में अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इस केस में ब्रैकेट के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या हुआ ओनली वन नॉट अ माइनस वन, देन आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल है।